नमस्कार, रूमीज कुकिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे एक संबलपुरी डिश जिसे सूजी मड़ा पिठा कहते हैं। तो चलो बनाते हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चतरा फेस्टिवल में बनाया जाता है मड़ा पिठा, भजिया पिठा बोलते हैं वो लोग। बहुत ही अच्छा बनता है स्टफिंग वाली ये रवे की रोटी, जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी मैं। 1 कटोरी रवे के लिए 2 कटोरी पानी, थोड़ा सा नमक, 2 इलायची कूटकर डाला है मैंने, 2 तेज़पत्ता, इलायची और तेज़पत्ता फ्लेवर के लिए है, और रवे के आधा क्वांटिटी शक्कर, जितना रवा है उसका आधा शक्कर डालें और शक्कर मेल्ट होने तक हम लोग चलाएंगे इसको। शक्कर मेल्ट हो जाए, अच्छे से पानी भी गर्म हो चुकी होगी, चलाते रहेंगे हम लोग। देखिए शक्कर हमारी मेल्ट हो गई। अब इसमें 1 कटोरी सूजी जो लिए हम लोग उसे डालेंगे। एक हाथ में डालते रहें, एक हाथ में चलाते रहें, गुठलियाँ नहीं बनेगी। पानी को ज़्यादा उबलने ना दें, ज़्यादा उबले हुए पानी में अब डालें तो गुठलियाँ बन जाती हैं। शक्कर मेल्ट हो जाने के बाद उसे डाल दें आप लोग। देखिए गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी हैं। अब इसे हम लोग चलाते रहेंगे, आंच को थोड़ा कम कर देंगे और इसको 2 मिनट तक, थोड़े पकने तक हम लोग चलाते रहेंगे। मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप तेल डालें या घी डालें, डो सॉफ्ट बनाता है। देखिए हमारी सूजी बहुत सुंदर तैयार हो गई, कढ़ाई छोड़ने लगी है। नॉनस्टिक है तो चिपकता नहीं है, आप सादी कढ़ाई में बनाते हैं तो अच्छे से चलाएं, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। अब निकाल लेंगे इसको। कि मैंने घी लगा दिया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, पूजा के लिए हो तो आप घी डालें, ऑयल में भी आजकल पूजा करते हैं। देखिए मैं निकाल ली हूँ रवे को, अब हाथों में थोड़ा घी लगाकर, बहुत गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने तक हम लोग छोड़ देंगे, ठंडा हो जाए पहले हम लोग स्टफिंग की तैयारी करेंगे। देखिए मैंने एक बड़ा सा गुड़ दे दिया है कढ़ाई में, गुड़ थोड़ा मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम लोग स्टफिंग बनाएंगे। अगर आपके पास ढीला वाला गुड़ नहीं है तो थोड़ा पानी डालें, मेरे पास थोड़ा ढीला हो गया था गुड़ तो मैं पानी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा ही पानी डालें। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, अब इसमें खोपरा ली हूँ मैं, वो डाल दूँगी, कुछ भुनी हुई मूँगफली के दाने भी डाल दी हूँ। आप इसकी जगह पर राई डाल सकते हैं और गोल वाला नारियल को पीस कर भी डाल सकते हैं। हमारी सूजी अब ठंडी हो गई है, अब इसका तेज पत्ता निकाल देंगे, बस फ्लेवर के लिए ही था वो। निकाल कर अलग कर देंगे उसको और ऑयल या घी लगाकर हाथों को ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से उसको मिला लेंगे। देखिए कितना सुंदर डो बन गया, और उसको जितना बनाना है छोटा या बड़ा जिस साइज का
हम लोग उतना हिस्सों में बांट देंगे। देखिए मेरा डो 7 हिस्सों में बांट दी हमने। अब इसको हाथों में ऑयल लगा लगा कर अच्छे से गोला बना लेंगे और कटोरी शेप देकर इसमें स्टफिंग डाल देंगे। मैं आपको 3 तरह का बनाना बताऊंगी। देखिए इस तरह का भी होता है, गुजिया टाइप का, हाथों में ऑयल लगा लगा कर बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाता है, बहुत ही अच्छी लगती भी है रोटी। बहुत ज़्यादा स्टफिंग डाल दी हूँ, जितना ज़्यादा स्टफिंग डाले उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप इसमें छेना भी डाल सकते हैं, नारियल, छेना, मूंगफली, तिल, शक्कर डालकर या गुड़ डालकर डाल सकते हैं। स्टफिंग में कुछ भी डाल सकते हैं आप, मीठी चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए मैंने इस तरह का बना लिया। अब दूसरे डिजाइन का बताती हूँ मैं। इसी तरह स्टफिंग भरकर हम इसे गोल बनाकर थोड़े चपटा बनाएंगे। देखिए दो तरह का तैयार हो गया। मैं एक तरह का बताती हूँ आपको, पूरा गोल बनाएंगे उसको। आपको जिस तरह का पसंद हो उसी तरह का बनाएं। देखिए पूरा गोल हो गया, ये तीनों थोड़ा चपटा और ये गुजिया शेप का। आपको जिस तरह का पसंद है उस तरह का बनाएं। इस तरह से दबा दें ताकि उसका मुंह खुले ना, नहीं तो अच्छे से हाथों से दबाने से भी नहीं खुलता है। और अगर आपका खुल जाए तो थोड़ा पानी डालकर भी दबा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है रोटी। अब इसको हम लोग तलेंगे। देखिए थोड़ा सा स्टफिंग बच गया, मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें हम लोग रिफाइंड ऑयल डालेंगे। पूजा के लिए है तो आप घी में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम लोग इसमें सारे मंडे को तलेंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो उसके बाद डालें और हल्के हाथों से इसको पलटते रहें।
गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पलटते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगता है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हो गई हमारी रोटी, निकाल लेंगे। उसी तरह से बाकी का भी हम लोग बना लेंगे। इसी तरह पलटते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए ये भी हो चुकी है हमारी। अगर मंडा पिठा की रेसिपी अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।